इसका पिन कहाँ गया? कैसे लगाऊंगा इसको? इसको छोड़ दो, इसको फर्क तो पड़ता नहीं है। राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ सेंटर एज ओरिजिन, विथ सेंटर एज ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस एज ट्रांसवर्स एक्सिस, विथ सेंटर एज ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस एज ट्रांसवर्स एक्सिस। इफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टेसेस फ्रॉम फोकाई फुल आफ्टर फुल स्टॉप, इफ डिस्टेंस ऑफ one of the vertex from the foci are 2 and 5, the distance of one of the vertex, कोई भी एक vertex पकड़ा, उसका distance from two foci are 2 and 5, find, निकालो, hyperbola का equation, hyperbola with center as origin and x-axis as transverse axis. And if distance of one of the vertex from the foci are 2 and 5. What is the value of A? कितना आया? Get the values of A and B. Using the information given, you have to find the values of A and B.
वर्टेक्स पकड़ा, वर्टेक्स से फोकल का डिस्टेंस 2 एंड 5, तो लेग से मैंने वर्टेक्स बी में पकड़ा, तो ये डिस्टेंस 2 और इस वाले फोकल से डिस्टेंस अब पता है ये डिस्टेंस कितना होता है, यहां से यहां तक ए, वर्टेक्स तक ए, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी माइनस ए, दिस इज गिवन एज और ये पूरा यहां से यहां तक ए ए ए और ये ए 5 CB1 is A and CS2 is A. तो जो 5 है वो है A plus AB1. Just divide कर दो, you get E. एक बार E आ गया, दोबारा किसी भी एक equation में रख के you get A. और A और E आ गए, तो eccentricity वाले formula से भी आ जाएगा. निकालो. Fast. दोनों को divide कर दो, ऊपर बचा E minus 1 upon E plus 1 is equal to 2 upon 5. 5e minus 5 is equal to 2e plus 2. 3e is equal to 7. E is equal to 7 by 3. किसी भी एक इक्वेशन में रख के गेट द वैल्यू ऑफ a. लेट्स से इधर रखा, तो a into e minus 1. 7 by 3 minus 1 is equal to 2. तो a 7 minus 3 4 by 3 equals to 2. तो 1 times 2 times a is equal to 3 by 2. ना अंदर b square बड़ा फॉर्म, b square is equal to a square e square plus b square, sorry, b square, b square का ना b square is equal to a square into e square minus a square one minus e square होता है ना, इधर e square minus, तो उधर अपो get the value of b square, जो भी आएगा वो ऐसा लेंगे x square upon a square plus y square upon b square equals to minus. So you get answer as x square upon 4x square by 9. Final answer is 4x square by 9 minus y square by 10 equals to 1. This is the answer. Verify now. A to dekh raha hai. 9 a square is 9 by 4, a is 3 by 2. Wahi hai. Get the value of b square. B square root 10. Center origin है, ठीक है? इसलिए हमने तो x से x ही रहने दिया. देखो next. Find equation of hyperbola with center as with center at 3 comma 2 center at 3 comma 2 focus is 5 comma 2 focus is 5 comma 2 and vertex is 4 comma 2 center focus vertex तीनों का y coordinate same है that means तीन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब कहां लाइन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का बोल रही है vertex center focus. What is the value of A? A कितना है? According to this data, A क्या होता है? Vertex से center का distance. 1. A is equal to 1. और center से focus का distance AE. और इस diagram के हिसाब से center से focus का distance is 2. A into E is equal to 2. A is 1, so E is half.
Just you have to find value of t using this formula. बट इधर हम x square upon a square नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोई बताएगा? x minus क्या लिखेंगे? मैंने बोला जब a square आ गया b square आ गया, after that how to write equation of hyperbola? shifted है ना ये, center कहाँ चला गया? तो कैसे बताया था कि जैसे कोई भी curve है, हम ये देखेंगे पहले center, पहले only उसका क्या चीज था? पहले हमें पता है जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसके लिए ये सेंटर इज एट ओरिजिन। अब सेंटर को 5.23.2 पे शिफ्ट कर दिया तो क्या करेंगे आप? x को x माइनस थ्री से y को y माइनस टू से रिप्लेस करेंगे। जो भी इसकी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड वाली उसमें x के लिए x माइनस थ्री, y के लिए y माइनस टू। इसके लिए अगर होता तो हम लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा x माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वॉट एवर ए स्क्वायर इज वन माइनस y माइनस टू शिफ्टेड इन लिख टाइप कर बोला y माइनस टू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो भी निकल के आया इक्वल टू वन। इधर से बी स्क्वायर निकालना है यूजिंग ए एंड बी। बहाना मत ढूंढना रे, मैं इधर गया था उधर गया था। तुम्हारी क्लास में ट्यूजडे को 60 क्वेश्चन 100% इलिप्स करना है और उसके बाद ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे को होगी क्लास। इतने दिन है मैं बोला था मतलब टेस्ट के पहले दोनों रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर देना ये हो गया ऑलमोस्ट। देखो नेक्स्ट, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू द परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट एट अ वेरिएबल पॉइंट बी। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू अ टेंजेंट एट अ वेरिएबल पॉइंट बी, मतलब एक इलिप्स को सॉरी हाइपरबोला है उस पर कोई भी एक वेरिएबल टेंजेंट है किसी कोई पॉइंट बी पे, उस टेंजेंट के ऊपर हमने क्या किया सेंटर से छोटा परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, क्या निकालना है लिखो, देन फाइंड लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर, देन फाइंड लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर। मॉडरेट क्वेश्चन है लोकस का, सिंपल। हाइपरबोला में कोई भी एक टेंजेंट जनरल टेंजेंट उसके ऊपर सेंटर से फुट ऑफ लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर खींचा सेंटर से जहां जाके गिरेगा उस पॉइंट का लोकस, लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर। डायग्राम बना देता हूं, लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर। गलत लग रहा है क्या? कोई भी हाइपरबोला, लेट्स से मैंने ये पॉइंट मान लिया, इसको मैंने टेंजेंट खींचा। अब सेंटर से
इसके ऊपर फुट ऑफ पर पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस मतलब इसको एच का मार्किंग करते हैं। ये सेंटर से बोला है, फोकस से बोला है, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट जनरल टेंजेंट के ऊपर फीट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालो। पास आना चाहिए, कम से कम 5 बच्चे होना चाहिए क्लास में जो कर पाए। Thank you.
थीटा
देखो नेक्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू x square upon a square minus y square upon b square equals to 1 and y square upon a square minus x square upon b square equals to 1. Find common tangent between these two hyperbolas. These are the two hyperbolas. We have to draw the common tangent. Find equation of common tangent. ये एक दूसरे में रेक्टेंगुलर है क्या? है ना? और क्या लिखवाया था रेक्टेंगुलर के बीच में? कॉमन टेंजेंट नहीं होता. ऐसे हम लोग बोलते हैं लेकिन होती नहीं, वो भी टेंजेंट नहीं होती एक्चुअली. तो आंसर नहीं आना चाहिए फिर तो मतलब. आर दिस टू कॉन्जुगेट? नो. क्या बताया था कॉन्जुगेट के लिए? एक्स स्क्वायर के नीचे जो इधर लिखा है इधर ही वही होना चाहिए. एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं है. अगर कॉन्जुगेट होते तो देयर इज नो टेंजेंट पॉसिबल. इसका मतलब अभी आएगा. अब टेंजेंट निकालते कैसे? देखो देखो दोनों के लिए इक्वेशन लिख के दोनों का सी बराबर करो. बस दो कर्व के लिए टेंजेंट ऐसे लिखते थे ना, y इक्वल टू mx प्लस c1 और इसका y इक्वल टू mx प्लस c2. अब दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, mx c1 इक्वल टू c2. गेट द वैल्यू ऑफ m. पहली वाली के लिए तो आसान है ना, पहली वाली के लिए तो स्टैंडर्ड है. y is equal to mx plus minus m का रूट ऑफ a square m square minus b square. ठीक ये तो आसान है. व्हाट अबाउट दिस? इसके लिए भी कल बताया ना क्लास में. देखो अपन लोग स्कूल के दिस इज नॉट सिंपल. ऐसा नहीं है ना ये और ये तो इंटरचेंज करेंगे या यही करेंगे. ये वर्टिकल हाइपरबोला है. क्या था इसके लिए? मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट. क्या था? मैंने एच अल के और उसके वेव फॉर्म में लिखवाया था, अल्फा और बीटा के फॉर्म. एच और के में किसमें लिखवाया था? वर्टिकल एलिप्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर ना. तो अल्फा की जगह ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. ये इसको टेंजेंट है, ये इसको टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट बोल रहा मतलब ये दोनों लाइन सेम लाइन है. तो मतलब मेक दिस इक्वल्स टू दिस. तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. एम स्क्वायर का वैल्यू, एम का वैल्यू कितना आया इधर से? और नहीं हो जाएगी सॉल्व अपना माइंड पेन चलाने की जरूरत है नहीं किसी की. थोड़ा भी कैलकुलेशन ठीक है तुम लोग का. माइंड में हो जाएगी. क्या बच रहा है एम स्क्वायर का वैल्यू? चलिए माइक आओ माइंड है. तो
कैंसिल हो रहा है, एम स्क्वायर वन के बराबर आ रहा है। इनका मॉडल लेके आओ ना। एम स्क्वायर इज वन, एम एस प्लस माइनस वन। बहुत जल्दी आ गया। देखो नेक्स्ट, जल्दी कॉपी करो फास्ट। देखो नेक्स्ट, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस y square equals to a square. Tangents are drawn to the hyperbola this, inclined at an angle 45 degree. Tangents are drawn to this hyperbola inclined at an angle 45 degree. मतलब जो tangents हैं उनके बीच में 45 degree angle है. Then find locus of point of intersection. Then find locus of point of intersection. Then find locus of point of intersection.
Thank you.
क्या बोला उसने, ये लेकिन ऐसा बोला इंसान गाली कोई भी, एक पॉइंट है जहां से ड्रॉन टेंजेंट के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 45 और इस पॉइंट का लोकस निकाला लेट से एच कम, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं इक्वेशन मान लेते हैं एक्स लोक की, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट पासेस थ्रू एच कॉमा के, तो इसमें एच कॉमा के मैंने रख दिया क्योंकि और इस एम एच को इस साइड लेके आया के माइनस एम एच और फिर स्क्वायर किया, तीन स्टेप में एक ही बार कर रहा हूँ। इससे क्या मिलेगा मुझे, एम में क्वाड्रेटिक मिलेगा, चलो लिख लेता हूँ पूरा क्वाड्रेटिक, एम स्क्वायर का नेट कोफिशिएंट क्या आएगा, इधर से एच स्क्वायर उधर से माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, अब एम का कोफिशिएंट इधर से आएगा एम टाइम्स, चलो माइनस हो जाएगा माइनस टू के एच एम, और कॉन्स्टेंट क्या बचेगा इधर से के स्क्वायर और वो इधर आके प्लस बी स्क्वायर, देखो करेक्ट लिखा है। अब मैं एंड में क्वाड्रेटिक निकाला, दैट मींस व्हाट, टू सो टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, लेट्स से इसके रूट्स आर m1 एंड m2 एंड दैट विल बी नथिंग बट द स्लोप ऑफ दीस टेंजेंट्स, अब कि एंगल 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू m1 बाय m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब क्या करेंगे, आई वांट सम रिलेशन इन h एंड k, अब क्या करें, तो 1045 चलो तो बोला था दोबार, अब क्या करूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड है तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, अब क्या करें, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज क्वाड्रेटिक में करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ एच ऑफ के रिलेशन, अगर इस ऐसे नहीं रख पा रहे तो पहले इसको सम ऑफ रूट्स को कन्वर्ट कर लूँ स्क्वायर करके दोनों साइड, साइड स्क्वायर बोथ द साइड, तो दिस विल बी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जैसे अपन क्वाड्रेटिक में करते थे m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर, जस्ट इसके अंदर को मैं क्या रखना है, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और वो है क्या, m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट इज माइनस b बाय 2 है, दैट इज k h अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सॉरी माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 c बाय k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यू हैव टू प्लस दिस टू हियर टू गेट रिलेशन एक्चुअली, सब जल्दी
क्वेश्चन लिखो तुम चाहो, एक साथ सॉल्व करना, बाद में डिस्कस करेंगे। फाइंड कॉमन टेंजेंट, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं। लिख देता हूँ, कम करता हूँ। फाइंड कॉमन टेंजेंट टू, फाइंड कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड टेंजेंट टू y टेंजेंट टू x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 व्हिच पासेस थ्रू 0,4 व्हिच पासेस थ्रू व्हिच पासेस थ्रू 0,4 नेक्स्ट टू बैक two tangents drawn to an ellipse x square upon a square plus minus b square equals to 1 from any point of hyperbola x square minus y square equals b square minus b square makes complementary angle with x axis makes complementary angle with x axis makes to that product of length of perpendicular from any point on hyperbola from any point on hyperbola to its asymptote is cosine and find this cosine area of triangle formed by any tangent and asymptotes any tangent and asymptotes to that area of triangle formed by any tangent and its asymptote is always constant. Any triangle formed by any tangent and asymptote is always constant and always
also phi is constant. And also phi is constant. So, five questions done. Start karo solve karo. ऐसा नहीं है अच्छे अच्छे तो हमने सीनियर से पूछ लेना जो अपने अपने स्कूल के टॉपर है ना वो यहाँ आके अभी ऐसी स्थिति है कि बोर्ड मुश्किल हो रहा है सीबीएसई मेहनत करो अभी स्टाइल मारने से कुछ नहीं होगा हाँ तो बताओ पहला वाला किस किस ने किया कॉमन टेंडेंट निकालना तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हमें पैराबोला अगर दोनों स्टैंडर्ड कर रहे तो दोनों का एम स्लोप की इक्वेशन लिखो दोनों का सी बराबर कर दो अभी स्टैंडर्ड नहीं होता तो क्या करते हैं कुछ आइडिया मैंने बताया था उधर एक्सप्लेन भी किया था मान लो जैसे एक तो मैंने स्टैंडर्ड ले लिया और एक कोई भी कर ले लिया उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे नहीं पता देन हाउ टू प्रोसीड कौन बताएगा चलो मैंने बोला एक मिनट के लिए लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस आई एम डेटिंग दिस एक्स वाई इज इक्वल टू लेट्स से 9 आने चलती पड़ेगी नेक्स्ट मंडे को क्योंकि सीरीज दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट अभी के लिए मुझे इसका इक्वेशन नहीं पता टेंजेंट का तो आई कैन नॉट राइट एम स्लोप का इक्वेशन फॉर दिस देन हाउ टू प्रोसीड वो भी मैंने बताया तुम लोगों को पैराबोला हाउ टू फाइंड कॉमन इक्वेशन बिटवीन टू कर्व्स कॉमन टेंजेंट सोचो दो मिनट हाँ तो Thank you.
है।